हेलो गाइस, मैं हूँ वसी और स्वागत है तुम्हारा आडियो टू के एक नए एपिसोड में। जैसे कि तुम लोग को बताएंगे, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे अपनी गैंग मेंबर के साथ में एक बार में। वहां पर बिल की उस बार के भाई साहब मैलिक से लड़ाई हो गई और भाई फिर वहां पे बहुत बुरा झगड़ा हुआ, लेकिन हम लोग वहां से बचकर आ गए। अपनी जो है स्टोरी वही को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तुम लोग को पता होगा कि हमारे फर्स्ट एपिसोड से हम लोग एक बंदे को किडनैप कर रहे हैं, ओल्ड स्कूल गैंग के बंदे को जिसका नाम है किरण। आज शायद इसका कोई मिशन है, तो चलो करते हैं और पता करते हैं कि मैच क्या करना है। तो ये अभी भी नहीं मान रहा है कि ये ओल्ड स्कूल का बंदा है। Is there? It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. So, अभी शायद से किरण मान चुका है कि वो हमें ओल्ड स्कूल के बारे में बता सकता है। तो उसने बोला कि वो शायद से 6 पॉइंट के पास में कहीं पे बैठे हुए हैं, वो सबका डेरा लगा हुआ है वहाँ पे। और तुम लोग को पता होगा हमारी गैंग की ओल्ड स्कूल के साथ में जरा भी नहीं बनती है। तो चलो आज हम लोग उनके गैंग बेस के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और इस बंदे का भी शायद से आज ही हिसाब लग जाएगा। ऑलराइट, हेलो जॉन। अबे यार, तुम लोग को पता होगा इसको मैंने वुल्फ से बचाया था, पता करते हैं जॉन का क्या हाल है। यो जॉन, कैसे हो ब्रो? राइट, सो जॉन भी शायद से हमारे साथ जाने वाला है। मेरा घोड़ा यार सबसे ज्यादा कमजोर है, देख सकते हो तुम लोग कि छोटे से कद का है भाई, और सबके तो समझ रहे हैं हम स्नो टाइम के घोड़े हैं। शायद से हम लोग इस टाइम पर चेंज कर पाएंगे इस चीज को भी। चलो चलते हैं अभी हम लोग। तो वो जो वैली है जहाँ पर वो लोग छुप कर बैठे हैं, वो वैलेंटाइन नामी एक शहर के पास में, वहाँ वही जहाँ पर वो बार था और जहाँ पर बड़ी गंदे तरीके से लड़ाई हुई थी। ओके, तो अभी भी आई थिंक ये सही कह रहा है, ये ओल्ड स्कूल का बंदा नहीं है। ये शायद से वैसे एक खबरी टाइप का था उनका और हमारे हाथ लग गया भाई। Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might. I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. All right, शायद से कोई बात हो रही है बिल की जो मुझे समझ में आ रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। शायद से कुछ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो माजी में हो चुका है भाई। I know this country. Take this track up through the rocks. Okay. तो ये हमें रॉक्स तक लेकर जाना है खुद को, यानी कि उस पहाड़ी के ऊपर। और शायद से लगता है मुझे इस माउंटेन के ना, इस रॉकी से माउंटेन के पीछे है उनका बेस। अभी तुम लोग देख पा रहे हो कि अमेरिका में जितने भी शहर थे, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, अभी वो पहले ज़माने में बिल्कुल ये थे। और अभी हम लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल पास से में से गुजर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कोई टाइम स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पत्थरों के बने हुए स्क्वायर्स हैं। You'd be smelling worse if we'd done what someone was arguing for. Granted. I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Combe killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he'd killed his brother. And the way I understood it, making excuses for the man and his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. Okay, so we are now near to the Valentine City. शायद से हम लोग को इस ट्रैक पर जाना है या इस ट्रैक पर। Okay, मुझे जैसे पता था कि हम लोग को इस ट्रैक पर ही जाना है। यहाँ पर कोई अभी बॉडी तो नहीं लटका। पिछले एपिसोड में जो हमारा एपिसोड एंड हुआ था, तो मैंने ऐसी ट्रैक के नीचे एक बॉडी देखी थी जिसके ना भाई सब कोई सर था, ना पांव था, और ना ही उसकी टांगे थी भाई। चील को उन्होंने खाकर फेंका हुआ था, लेकिन एक खत था भाई। वो शायद से मुझे पीसेस कलेक्ट करने होंगे पूरे वर्ल्ड में से, और फिर हम लोग उसके किलर को पकड़ सकेंगे। You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Okay, so Karen कह रहा है कि उसे उन लोगों के बारे में सब कुछ पता है जितना हमें भी नहीं पता है, और इसको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है भाई। You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourself. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. ये हमारे साथ बैठ के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं अभी बंदा ये किरण। ओके, अभी हम लोग पता नहीं किस इलाके में आ चुके हैं। आज मुझे बस कंफर्म है कि मुझे ना इस साल के खत्म होने से पहले आठ या दो कंप्लीट करना है। इसके 128 या बताने 118 मिशन्स हैं मेन, सिर्फ साइड क्वेस्ट के अलावा।
हम लोग सभी करेंगे, लेकिन बस सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर जरूर करो। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, यानी कि द सिक्स्थ पॉइंट वेयर द ओड्रिस्कोल्स आर हाइडिंग फ्रॉम अस। एंड नाउ अभी टाइम आ चुका है हल्ला बोल देने का भाई उनके ऊपर। हाँ बस अभी कोई ये हिरन वगैरह ना शोर मत मचा दे, क्योंकि उन्हें फिर इस बात से वो अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है क्लियर एरिया के साथ में ना तुम लोग अपने हॉर्स को भाई साहब हिच कर दो। हाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कर देते हैं, बल्कि आगे जाने देते हैं भाई। जहाँ पर जॉन मास्टर रुकेगा ना हम लोग वही लगा देंगे भाई अपना घोड़ा भी। मेरे पास हथियार तो पूरे हैं ना भाई, सो मेरे पास एक शॉट गन भी आ गई अभी। Here I am, bro. चलो भाई, अभी मेरे पास तीर कमान भी है, अभी मेरे पास शॉट गन भी है, और अभी मेरे पास एक रिवॉल्वर भी है जिसको हम लोग कह रहे हैं कैटल मैन रिवॉल्वर है। Follow me, all right? It ain't far. So, अभी हमें इस कैरन को फॉलो करना है, बस ये बंदा कहीं भाग कर उनको बताना दे। तो जॉन कह रहा है कि मैं तुम्हारी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करूंगा, और अगर तुमने कोई होशियारी करी तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं भी अपने रिवॉल्वर को रेडी रखता हूँ, तो तुम लोग देख ही पा रहे होंगे। लेकिन वो देखो भाई, सामने एक विलेज टाइप का इलाका है और वहाँ पर वो लोग छुप रहे हैं। There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Where are your strangers? Yep. And Cormel Driscoll? Oh, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh. Let me think. The fellow that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. All right, तो तीन बंदे ओड्रिस कोल कैन के यहाँ पर आ चुके हैं, और शायद से इनका भी हमारे पर ध्यान नहीं गया है। आज इस पूरी की पूरी गैंग को हमें ख़त्म करना है किसी ना किसी तरीके से, और इनकी बेस को भी, क्योंकि आगे जाके हो सकता है यह हमें खतरे के साथ। ओके, सो बिल अभी पूछ रहा है कि तुम लीड करोगे या फिर हम खुद देखें इनको। तो मैं कहता हूँ भाई, लीडर तो मैं हूँ इस टाइम तुम लोगों का, लेकिन बिल मुझे करने दें। पता क्या है भाई, बिल का कुछ भरोसा नहीं है। एक मिनट, ये साना कुछ बताने लगा था शायद इन लोगों को। शुक्र है भाई, जॉन ने इसके ऊपर हाथ रख लिया। अभी मुझे इन लोगों को ख़त्म करना है, और थोड़ा सा साइलेंट है तुम लोग अगर दिखने हैं तो भाई साहब, असासिन्स क्रीड ओरिजिन्स में हमारा काम ये होता है। यहाँ से इस बंदे का एक लिया भाई साहब हेडशॉट का निशाना, और ये ख़त्म। एक मिनट, मैं बहुत ज़्यादा आई शुड मेक माई मूव्स लाइक दिस। गाइस अभी मैं इनके खोपड़ियों के बिल्कुल पास नहीं हूँ। चलो भाई निशाना, और ये भाई साहब दोनों की खोपड़ियाँ उड़ गई। एंड हेयर आर सम पीपल्स जो भाई साहब अलर्ट हो चुके हैं, इसका हेडशॉट पूरा लिया। चलो छुपो यहाँ पर। ओके भाई, इस साइड को मुझे जो रेड मार्कर मैप में दिख रहा है, इससे मुझे दिख रहा रहेगा कहाँ कहाँ से ये एनिमीज आएंगे। ओके, एंड आई एम, ये बंदा एक फूलता हुआ आ रहा है, इसकी हेड शॉट। भाई निशाना मिस फिर से। एक मिनट को यार, अगर दरख्त ना होते तो इनकी खोपड़ियाँ उड़ जाती, और मेरा निशाना इतना कच्चा नहीं है जितना अभी हो रहा है भाई। ओके, ये एक जगह पर रुक गया है। एक मिनट को, ओके हेड शॉट कि बहुत सारे लोग हैं भाई, चारों तरफ से इन्होंने हमें घेर लिया है। एक मिनट, लगता है कैरन ने हमें फंसा दिया यहाँ पर। मुझे यहाँ से मूव करते हैं, मेरे को भी कोई नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ से एक बंदे मूव कर रहे हैं। एक मिनट रुको यार, तुम लोग थोड़ा सा देखो पहले फिर भाई। ओके गाइस, कैरन को भी पकड़ेगा तो फिर हम सब कुछ हो पाएगा भाई। ओ भाई, मैं जिस जगह से मूव कर रहा हूँ। ओके भाई एकदम कसम से एक्सट्रीम लेवल हेडशॉट, जो मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा मैंने कब मार दिया उसके। रुको, चल बेटा चुप कर, ख़त्म भाई। दुश्मन के इलाके में घुस के मारने का मजा कुछ और है। ओ एक बंदा भाग रहा है, साथ ही बुला के लाएगा था अपने। चल ख़त्म हो, एक हेडशॉट पक्के वाला, और इसकी ऐसी की तैसी। मेरे शॉट गन में 114 बुलेट्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन मैंने इसे यूज़ ही नहीं करा है भाई। पता नहीं, वो शायद से भूल गया इसको यूज़ करने, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिवॉल्वर की ही बुलेट्स शायद से यूज़ हुई हैं। चलो अभी देखते हैं इस कैबिन के अंदर कौन है। ओ भाई, ये कौन है? ओके, इसे किसने मार डाला है? भाई बच गया मैं, कहूँ ये कौन बंदा है जो सर पे चढ़ के हमारे गोली मारते लगा था। थैंक यू ब्रो, जान बचा ली इसने तो मेरे भाई। ठीक है, कोई भी नहीं है इस कैबिन के अंदर।
Alright, so इस प्लेस के अंदर कोई और ड्रिस्कोल नहीं बचा है और ये केरन रह गया इसने बोला था और ड्रिस्कोल हमारे गैंग के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ही और ड्रिस्कोल्स थे यानी कि तुम लोग हिसाब लगा रहे हो अगर ये कुछ है तो इनकी पूरी की पूरी आर्मी और ड्रिस्कोल गैंग की कितनी होगी तो ये कह रहा है कि पहले यहीं पर थे लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है Without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? What do we do? I'm one of you now. Give me a break. Okay. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's so, get to camp. So, अभी ये कह रहा है कि भाई हम हमने से भाई आजाद करने की कोशिश की मैंने बोला खैर हम तो जा यहाँ से क्योंकि तुमने हमारी ज़िंदगी बचाई है तो फिर छोड़ देते हैं इस बात को लेकिन ये कह रहे हैं कि ओट स्कूल के जैसे तुम लोगों ने हमला करा है ओट स्कूल के कुछ बंदे भाग गए हैं उन्होंने इसका चेहरा देख लिया तो ओट स्कूल सबसे पहले इसे मारना चाहेंगे अभी जो है मैंने जैक मार्स्टन बिल और कैरन को भेज दिया यहाँ से मैंने बोला तुम लोग कैंप पर पहुँचो और अभी मैं इस कैबिन के अंदर कुछ देख लूँ शायद से हमारे काम का कुछ तो यहाँ पर हो गए ओके इंटू जी बॉर्डमन आई थिंक ये एक विस्की टाइप की चीज़ पड़ी है हाँ ठीक है भाई ये सब उठाते हैं और यहाँ पर क्या है एक मिनट यहाँ पर एक लॉक बॉक्स है खोलते से और इसके अंदर क्या है गिनसन एलेक्सर ठीक है इसे भी उठाते हैं जल्दी से यहाँ से हो सकता है हमारे किसी टाइम भी हीलिंग टाइप का प्रोजेक्ट हो और राइट तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी रस्टी सी ये शॉर्ट गन है जिसे मैंने थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश करी है हाँ ये हो जाएगी तो बेस्ट होगा ओके जल्दी से हो जाए यार बस मुझे जस्ट वहीं से पैसे उठाने हैं हाँ थोड़ा सा तो भाई इसका रस्टिंग एरिया जो है ना वो तो भाई सब कुछ कम्प्लीट हो गया वैसे कैसी है ये अपने मुझे तो ठीक लग रही है भाई ओट स्कोर किया ये ठीक है वापस रखते हैं इसे और हम लोग यहाँ से चलते हैं अभी ओके तो मुझे यहाँ से चिमनी में सर्च करना था ओके आर टू सर्च इन चिमनी यहाँ पर ही पैसे छुपाते हैं अपने और हो सकता है हमें कुछ यहाँ से पैसे मिल जाएं ओके देखो जैसे मुझे मिल चुके हैं यहाँ से $600 ठीक है भाई ओके $600 जो है वो हम लोग मिल चुके हैं इसके अंदर हमारा शेयर जो है वो है $100 का हाँ वो मैं अगर दूंगा डच को जाकर तो डच हमारे अंदर जो शेयर करेगा $100 होगा और बाकी वो $500 को वो शेयर करेगा पूरी गैंग के अंदर और तुम लोग को जैसे पता है कि भाई डिटेक्टिव गैंग भी है पिंकल्टन जो हम लोग को सर्च कर रही है यानी कि हमारे जैसे जितने भी भाई सब कॉबॉयज़ हैं और जितने भी वाइल्ड वेस्ट हैं तो उनको फॉलो करके मार रहे हैं क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमारे जैसे जितने भी भाई और भी कॉबॉयज़ हैं और वो सभी के सभी अमेरिका के लिए ख़तरा है हाँ वैसे भी ख़तरा तो है क्योंकि हम लोग किसी को भाई किसी भी टाइम पर लूट लेते हैं इसलिए वो इसलिए इनकाउंटर के ऑर्डर निकल आए तो हम लोग उनसे छुपकर अपने कैंप में छुपे हुए बैठे हैं तुम लोग को पता ये कैंप कहाँ पर है अपना बस बताने का ये किसी को तो इसलिए पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम हाँ तुम लोग को पता होगा मिस्टर पियर्सन भी पिछले एपिसोड में कह रहे थे कि भाई खाने के लिए कुछ भी नहीं है गैंग में उसका भी इंतज़ाम करना है अब ट्राई करते हैं क्या करना है हमें तो जल्दी से हम लोग चलते हैं पहले यहाँ से और जाकर गैंग में पता करते हैं क्या क्या हमारे लिए क्या मिशन है तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ यहाँ पर यानी कि अपनी कैंप के अंदर और आई तो मैं भी डच को पैसे देकर आ गया हूँ और अपने $100 लेकर आ गया हूँ और देख सकते हो भाई ये केरन ये शायद से काठियाँ उठाकर अपने घोड़े के ऊपर रख रहा है हाँ हौजिया के साथ में मुझे बात कोई नहीं करनी है भाई ये बुढ़ा ऐसा है कि कभी भी कोई भी काम शुरू कर देता है मतलब बात इतनी लंबी करता है कि पहुँचो भी ना कभी और बात भी ना इसके ख़त्म हो और राइट तो आज डच का मिशन करते हैं यानी कि अपना मेन फ्रेंड मेन गैंग का लीडर देखते हैं इसके पास क्या है भाई और राइट क्या हुआ भाई फाइंड अ बायर फॉर देम बॉन्ड्स वी स्टोल नॉट येट बट होजे इज वर्किंग ऑन इट व्हेन वी हेडिंग वेस्ट सून हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वेस्ट में कब जाएंगे तो ये कह रहे हैं हाँ जल्दी जाएंगे हम लोग थिंग्स हैव चेंज्ड द होल वर्ल्ड्स चेंज्ड They don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. बस इस करूर से मर जाएंगे भाई हम लोग. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah. All right, क्या होगा भाई? What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in the hell, Lenny? It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And all right, TK. Here's open. Arthur, what? The fool brought this on himself.
तुम लोग को पता है हमारी माइका से नहीं बनती है पहले एपिसोड से, क्योंकि वो बंदा एकदम पागल है भाई, हर चीज का काम बिगाड़ता है। जब सैडी एडलर हमें मिली थी तब भी भाई सब उसे घर में आग लगा देती। बस पागल से बंदे को मैं नहीं छुड़ाने जा रहा, बस जिंदा से दोबारा मत कहियो। And Arthur, no crazy business. Right, all right. And you get Micah out of that jail. ठीक है भाई, okay. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Okay, so अभी लेनी हमारे साथ है, और डच कह रहा है कि तुम्हें जाना है माइका को छुड़वाने के लिए। वैसे तो लेनी कह रहा था कि वो भाई स्ट्रॉबेरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर वो बंदा अरेस्ट हो चुका है। अब शायद से हमें जाना पड़ेगा उसे छुड़वाने के लिए वहाँ से, स्ट्रॉबेरी से, और फिर पता करते हैं कि कैसे उस बंदे को निकलवाना वहाँ से। हाँ, यहाँ के इस टाइम पर जो जिम्मे शेरिफ है ना, वो बहुत स्ट्रांग है भाई। अब मिनट रुको भाई, ये घोड़ा अपने आप ही चल रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने एक प्यारे से शहर जिसका नाम है वैलेंटाइन, और यहाँ पर पता नहीं भाई साहब एक चर्च भी है, और पूरा एकदम छोटा सा स्मॉल टाउन है ये, और इतना बड़ा शहर नहीं है, मतलब हम लोग इसे सिटी नहीं बोल सकते अभी। तो कहाँ वगैरह मिले लेनी भाई साहब, इसका नाम लेनी है, बिली बोल रहा हूँ मैं से। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे पहचानते भी हैं, इसलिए उनसे भी ज़रा बच गए। आएगा तो क्या भाई, ये कुत्ता पीछे क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट, इसे यहीं पे हिच करता हूँ मैं, बस यहाँ से देख सकते हो भाई एकदम सड़कों में कितना कीचड़ है भाई, मतलब कि मिट्टी की सड़कें हैं। और जितना अमेरिका तुम लोगों में देखते हो भाई सब एवोल्यूटेड है, देख सकते हो भाई 1899 में ये कैसा था, मतलब ये 100 ईयर में जितनी भी करी है तरक्की वो उसी टाइम पे करी है। सारे के सारे लोग मेरी तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा अभी। चलो बैठते हैं हमें बार में, ई टू लीन ऑन बार। ओके, हियर इज सनी। ये बंदा यहाँ से गया। Okay, तो हम लोगों ने भी बोला है कि सिर्फ ये मुझे पहचान गया, पिछली बार इसी बार में हमारी लड़ाई हुई थी। इजी डे ब्रो, आज हम लोग कोई लड़ाई नहीं करने आए। तो मैंने उसे बोला भाई सिर्फ एक ड्रिंक, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा ड्रंक नहीं हमें होना है। माइका की तो बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब, पीते हैं और यहाँ से चलते हैं भाई। I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Mike. A lot of crazy, crazy stuff. But you shut up. इसको क्या हुआ भाई? Be quiet, buddy. ये मार खाएगा ये शराबी साला. Oh, there, dullards. My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone. भाई ये क्या कह रहा है? रुको भाई, अब हमारा सबर ख़त्म हो चुका है, ये बेवड़ा कुछ भी बोले जा रहा है और हम लोग तब से सह रहे हैं। अब लगता है ये मार खाएगा भाई, प्लीज गो यहाँ से, चले जा ब्रो। निकल, अलहदा ही पता नहीं क्या ऐसे मसला बना हुआ है भाई। अब एक शॉट की बात हुई थी भाई, बस ये तो शुरू ही हो गए हैं, ये तो लगता है पूरे भाई बेवड़े होके हटेंगे लगता है। भाई से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेनी भाई एक मिनट रुको, इससे बेवड़े एंड क्या नाम था इसका भाई, मुझे इसका नाम ही भूल गया, आर्थर मॉर्गन। तो अभी बार में इतनी पीली है भाई, इस तरीके से ये नहीं पता है कि लेनी कहाँ पर है, और ना ही तुम लोग देख पा रहे हो मूवमेंट सही से हो पा रही है। एक मिनट को मुझे लेनी को देखना होगा, लेनी कहाँ है तू? अबे ये वही है ना? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। लेनी कहाँ पर है भाई तू? एक मिनट, मुझे लग रहा है ये रहा लेनी भाई। हेलो ब्रो, कैसे है तू? अब तो बॉबी देओल का स्टाइल कर रहा है भाई। ठीक है, ग्लास टूट गया अभी भाई, खत्म भी करो इसे, शुरू हो गए भाई ये तो। ऑलराइट ऑलराइट, अबे फिर से गायब हो गए ये तो। एक मिनट रुको, ये क्या हुआ?
अब इसकी लड़ाई हो गई अभी तो. What the hell यार. एक मिनट हो गई बार में लोगों से लड़ पड़ा है क्योंकि ये जब भी भाई अल्कोहल पीता है तुम्हें पता है ये बेकाबू हो जाता है अभी. एक मिनट इन लोगों को समझाना होगा नहीं तो लड़ाई हो जाएगी. पीछे हो वे वे बोलते हो हम पर दुख ना दोस्त सुनो तुम नेंस. ओ भाई साहब ये लड़ाई की जगह तो सुलह हो गई भाई यहाँ पे और लोग नाच रहे हैं भाई. एक मिनट व्हाट द हेल आई एम डूइंग. और मुझे लगता है मैं बेवड़ा से यहीं पे गिर जाऊँगा भाई. विषय से मुझे दोबारा से अंदर जाना चाहिए. ओके ये डोर तोड़ा और अंदर मैं आ चुका हूँ. एक बार लनी का टूलना है. अब क्या एक मिनट ये क्या है भाई साहब इन दोनों का चेहरा सेम नहीं है. ये दोनों ट्विंस हैं क्या पता नहीं. अब ये भी ट्विंस हैं. एक ही चेहरे के कितने लोग आ गए भाई. कहीं ये लनी का चेहरा तो नहीं है. एक मिनट अब ये कुछ अच्छा है. अच्छा मुझे हर जगह पर लनी दिख रहा है इतने पीने के बाद में. एक मिनट का ये तो अब मुझे लग रहा है लनी के मुझे कपड़ों से देखना पड़ेगा नहीं तो लोग ये मुझे ही पीट डालेंगे भाई. एक मिनट मुझे ये लग रहा है लनी ये है. लनी जिल लनी ये क्या नाम है इसका. ओके सो ये क्लाइड है भाई ये लनी नहीं है. ओ मुझे लग रहा है ये लनी लनी है इसका नाम. भाई बहुत ज़्यादा पी लिया भाई इस बंदे ने तो. इससे लेनी की समझ नहीं आ रही है कि लेनी कहाँ गया. मुझे इससे पूछना चाहिए इससे पूछना चाहिए शायद से ये पता कर सकते हैं. ओके वो फोन भी हंस रहा है कि भाई तू किस किस को लेनी बोल रहा है. हेलो ब्रो बात सुनो यार कोई भी नहीं है यहाँ पे लानी. ऑलराइट ये रहा. अबे भैंस के नाम ये क्या. अबे भाई इसने मेरे को चांटा मार दिया. पर यहाँ पे कुछ स्लैप कंपटीशन हो गया भाई. अबे लगता है स्लैप कंपटीशन यहाँ पे शुरू हो चुका है. मतलब बंदा पी लेता है और पता नहीं चलता क्या क्या होने लग जाता है भाई. ओके मिनट अब ये गुड फ्रेंड हो गया. मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है भाई. सेम में एक मिनट ये बता वापस नहीं आ गया वाला जो मुझे चढ़ा के गया था पहले भी इसे पकड़ के मारा वो भाई 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 यहाँ पे तो गायें भैंस से पानी लेती है ना जहाँ पे मैं से डूब ड्राउनिंग आई एम. इसे डुबा दे मार डाल इसे मार दे खत्म कर इसकी आइसक्रीम. ओके डन अगेन डुबा दे इसको सब मारे डाल इसको भाई आज इसका चैप्टर ही क्लोज. हाँ छोड़ दे यार इसे. ऑलराइट ठीक है भाई साहब कहाँ गंदी जगह में हम लोग नीचे गिर रहे हैं. अब इसे कुछ हुआ ना भाई. अब मुझे समझ आई ना इसे भाई कि ये भी यहाँ पर उल्टियाँ करने चालू कर दे इसने. एक मिनट व्हाट द हेल ये क्या हो रहा है. ओ भाई 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 तुम लोगों को पता होगा हम लोग एक ओ यार मुझे समझ आई. अब हम लोग एकदम पॉपुलर क्रिमिनल हैं जिस वजह से भाई साहब यहाँ पर जितने भी शेरिफ्स हैं वो भाई साहब आ चुके हैं और यहाँ हम लोग को पकड़ चुके हैं. ऑलराइट व्हाट द हेल आर्थर भाई कहीं मैं ही ना रेस्ट हो गया हूँ. What did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You तो अब पता चला भाई पीने का नुकसान. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well. So we were drunk. That's why. Either you fools got any money? पर मैं से भी हम लोग वांटेड क्रिमिनल्स हैं. मैं इस बात से डर रहा था ये लोग लोगों ने हमें हंट कर लिया है. अब थोड़ी सी हम लोगों ने इनकी जेब गर्म करी है इस वजह से हम इन लोगों ने हमें यहाँ से स्केप करवा दिया. ठीक है भाई ना तो अपना भैया सबसे बड़ा रुपया. so,
जी अभी तक भी सेटल नहीं हुआ है भाई. फर्स्ट वन वाज प्रीटी क्वाइट. Yeah, the first one was pretty quiet. इस शेरिफ ने बोला कि तुम मुझे वैलेंटाइन के आसपास जगह देखना. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. तो अभी अपनी सवारी देते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई. मायका को छुड़वाने आए थे और पता नहीं भाई कहाँ पर आ गए हम लोग भी. ओके सभी तुम लोग देख पा रहे हो कि हालत कितनी ख़राब हुई पड़ी है आर्थर की. चलो भाई उठना तो पड़ेगा आर्थर क्योंकि टाइम थोड़ा है अपने पास में. अभी भी तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं अभी भी यू कैन रेस्ट बाय होल्डिंग ई. ये पता नहीं किसका घोड़ा था. हम लोगों ने छुड़ा लिया यहाँ से और इसे लेकर चलते हैं हम लोग अभी मायका के पास में. मायका स्ट्रॉबेरी में तुम लोग को पता है अरेस्ट है और उसकी थोड़ी सी नॉलेज भी मैंने उस भाई शेरिफ से निकलवा ली है. मैंने उसे पूछ लिया भाई कि अगर तुम्हारे उस साथी से मैं वहाँ निकलवाना चाहूँ अपने साथी को वहाँ तो क्या मुझे उन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन इससे बोला भाई नहीं, वो लोग तुम्हारे सचमुच में हंटर हैं. वो पिंकर्टन के सीधे सीधे बंदे हैं. अगर तुम लोग उनसे रिश्वत दोगे तो वो भाई पिंकर्टन से उससे भी ज्यादा रिश्वत ले लेंगे. लेकिन मायका बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले. और मायका तो तुम लोग को पता है भाई, वो एकदम भाई खतरनाक सा बंदा है. वो किसी को भी बगैर पैसों के भी मार डालेगा. पर ये नहीं, नहीं ये वो जगह नहीं है जहाँ पर उसकी लाश लटकी हुई थी भाई बंदे की. तो वो तो भाई उसका तो शौक है बंदे मारना, इस वजह से उसको छोड़ने तो वाले नहीं है ये लोग. इस वजह से हम लोग को खुद ही उस बंदे को मायका को आज के आज निकलवाना है जेल से. तो देखते हैं क्या होता है आज. और मैं तो फुली ट्राई करना चाहूँगा कि मैं उसे निकलवा सकूँ. एक मिनट, मेरे पास कोई वेपन नहीं है. व्हाट द हेल यार, मैं किस जगह पर आ रहा हूँ फिर मैं किस चीज़ किस वजह से भाई फिर मैं बाहर निकल आया हूँ जब मेरे पास कोई वेपन ही नहीं है भाई. एक मिनट रुको, मुझे वापस वैलेंटाइन जाना होगा, वहाँ से एक वेपन खरीदना होगा, फिर भाई मैं आऊँगा इस साइड पर लड़ने के लिए. और इस सस्ता सा घोड़ा पता नहीं किसका है जो मुझे मिल चुका है. जी ब्रो ईजी, कुछ नहीं हो गया हमें. ठीक है, एक हमारी बॉन्डिंग. तुम लोग को पता है भाई साहब, घोड़े के साथ ना ज़रा भी बॉन्डिंग नहीं बन रही है हमारी, क्योंकि घोड़ा भाई साहब किसी और का है. हमारी सवारी कहाँ पर है वैसे, मुझे वो नहीं समझ आ रही तब से. और आउट ऑफ विसलिंग रेंज, तो भाई वो तो बहुत दूर है. अबे भाई पागल हो गया, ये तो पागल हो गया, पागल हो गया भाई, ये पागल हो गया है. भाई देखो ये मुझे उतारने के लिए कुछ भी कर रहे हैं भाई. अबे भाई उतार ही डाला इसने तो, भाई गिरा दिया घोड़े से. ये गेम कितना रियलिस्टिक है भाई, मुझे ये तो समझ आ गई है कि वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर रियलिस्टिक गेम है. लेकिन इतना भी रियलिस्टिक ना हो भाई. घोड़े ने उठा के नीचे गिरा दिया भाई मेरे को. ऑल राइट, मेरा प्यारा घोड़ा आ चुका है यहाँ पे. चलो नाम, अभी हम लोग को जाना है भाई साहब पहले हथियार. ओ भाई मेरे हथियार इस घोड़े के साथ लटके हुए थे और मैं तब से हथियार नीचे खरीदने जा रहा था. चलो भाई सफ़र बहुत लंबा है तो कवर करते हैं हम लोग. स्ट्रॉबेरी तक पहुँचना है हमें और वहाँ से मायका को छुड़वा के लाना है. तो जल्दी से आज हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को भी क्रैक कर डालते हैं और देखते हैं भाई कैसे हम लोग मायका बेल को छुड़वा सकेंगे. वैसे स्टोरी का मज़ा तो बहुत आ रहा है. तुम लोग को भी आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में बताना. वैसे भी तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी बहुत सारी हमें एडवाइसेस दी हैं हमारे एपिसोड्स के बारे में, यानी कि हमारे ग्राफिक्स अच्छे हैं. तो भाई बस इतना चाहिए हमें, आप लोग बस अपने कॉमेंट्स में हमें बताते रहो कि हमें क्या क्या करना चाहिए. और मुझे यहाँ से ये भी अप्लाई कर लेना चाहिए. नहीं नहीं, अभी तो मेरा सांस बंद हो जाएगा अगर मैं इसे अप्लाई करूँगा. हाँ जब हम लोग मायका को, एक मिनट ब्रो मुझे बस यहाँ से गुजर देने दो, फिर तुम लोग इस ब्रिज के साथ जो मर्जी करो. आई विल नॉट से यू एनीथिंग. तुम लोग की एक मिनट पर कुल करो लड़ाई होगी भाई. ओके 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 करो हेडशॉट बजाओ. ओके एक मिनट बस एक शॉट बस एक शॉट खत्म ब्रो खत्म. एक मिनट बस लास्ट टाइम एंड हियर वी गो हेडशॉट. एक बंदा बच गया कोई ना कोई इनका और वो रहा यहाँ पर. रुक जा ब्रो, चल हेडशॉट. बस की हैट गिर गई बस. ये ब्रिज के ऊपर क्या कब्जा करके बैठे तुम लोग. एक मिनट काम 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 ब्रो काम. तू यहाँ से भाग भाई, तेरे ऊपर कुछ लग गया ना तो मैं जाने से मैं हाल हो जाऊँगा. चल भाई बहुत शाना है तू. हाँ ख़त्म. एक मिनट को यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ इनको मेरे से अभी तक इनको. रुक यार चल मुख ख़त्म है इसके टाइम. चल भाई ओके ओके इनकी उल्टी गिनती करवा दे अभी घोड़ा का. मैं तो भाग ही गया इतनी दूर. ये एडियट सब पता नहीं कहाँ पर भाग गया भाई, वो जा ही रहा है तब से वहाँ पे. अरेस्टेड मायका यानी कि वो शाना सा बंदा, घूमी हुई फिरकी का बंदा, मैं उसे आज निकलवाना है जेल से स्ट्रॉबेरी की. तो वहाँ पर मैं बता रहा था कि पिंकर्टन के डिटेक्टिव्स हैं जो उसे अरेस्ट करके बैठे हुए हैं.
और वहाँ से उसको बचाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम लोग को पता है अगर मैं वहाँ से एक भी मेरा दाव ख़त्म होता है, यानी कि एक भी दाव चूक जाता है, तो भाई वो बंदे मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, और मैं अगर अरेस्ट हो गया तो सीधा फांसी पर लटकाएंगे, सूली पर लटकाएंगे और कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ में, ठीक है, ईजी, बस ईजी। ऑलराइट, सो गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्ट्रॉबेरी के इलाके में, जहाँ नहीं कहीं अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के खेतों के मतलब जैसे यहाँ पे खेत नहीं है, इस जगह का नाम है ओके, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के खेत नहीं है भाई, इस जगह का नाम है स्ट्रॉबेरी, वेलकम टू स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पर माइका अरेस्ट हुआ है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोगों को माइका को निकालना है यहाँ से। सो एकदम एक फैनिंग चाहिए मुझे पहले, ताकि अभी मेरे समझो मैं इतना वांटेड नहीं हूँ। माइका, डच और ऐसे कई बंदे, कुछ जो बिल हॉज़िया, ये बंदे वांटेड है, मोस्ट वांटेड वांटेड हूँ मैं, लेकिन इतने स्मॉल टाउन में मेरा नहीं पता है लोगों को। अभी मैं शायद से अंदर जा सकता हूँ, पता लगाते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ से उसकी बेल करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं उसे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से। हेलो ब्रो, दरवाज़ा खोलो। या हेलो सर, आई हैव कम फ्रॉम ब्लैकवाटर, आई एम ऑन द ट्रेल ऑफ अ डेंजरस गैंग, कोमो ड्रिस्कल, हर्ड यू हैड सम सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट। वी डोंट डील विद बाउंटी हंटर्स अराउंड हियर सन, आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ आई कुड गेट अ डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो ये शायद से मेन शरीफ लोग का देख सकते हो कि दोनों साइड से बंदे खड़े कर दिए कि मैं कोई भी ऐसे मूवमेंट करूँ तो ये बंदे मेरी खोपड़ी उड़ा दें। तो ये कह रहा है कि उसको भाई साहब ये फांसी पर लटका देने वाले हैं माइका को। मैं सिर्फ नॉलेज लेने आया था कि ये भाई साहब अगर 7-12 दिन हैं इसके, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर ही। यार मैं जेल से बाहर आया हूँ और यहाँ पर भाई वो भाई 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 तुम लोग देख पा रहे हो क्या भाई मौसम हो गया यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर नीच जगह में भाई कसम से बादल आ गए काले काले, और मुझे यहाँ से पहले माइका का पता लगाना है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे माइका की आवाज़ आ रही है। अबे ये रहा है माइका बेल। आर्थर, हेलो फ्रेंड। हेलो डूड, कैसे हो ब्रो? यू गोइंग टू गेट मी आउट ऑफ हियर? ठीक, सो अभी मैं एकदम प्यार से यहाँ पे खड़ा हो गया, लेकिन माइका कह रहा है मुझे किस तरीके से भाई क्या हाल कर रहा है इसको मार मार के, मतलब एक आंख इसकी सूजी बड़ी है। ओह हो, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. अभी जो है आर्थर कह रहा है कि ना सिर्फ मैं बल्कि पूरे का पूरा टाउन तुम्हें लटकता हुआ देखेगा, लेकिन माइका कह रहा है कि प्लीज़ मैं तुम्हारा एहसान कभी जता पाऊँगा अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के साथ होता भी कुछ नहीं। अबे क्या हो रहा है ये, इतने सख्त बादल भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट खुल। सो अभी मुझे माइका बेल को यहाँ से निकलवाना है, मैं पहले तैयारी कर लूँ भाई यहाँ से निकलने की, ये तो मुझे पहले पूरे खाने चाहिए। ओके, तो मेरी डाटा जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और अभी हम लोग शायद से इस पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये मास्क भी पहन लेना है। मेरा घोड़ा कहाँ पे चला गया है? उसके पास में मेरी शॉटगन है भाई, एक मिनट। हेलो ब्रो, इधर आप जल्दी से भाग के। ओके 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 ओके, यहीं पे बिल्कुल शॉटगन दे, क्योंकि अभी हो गया है हमारा निज़ाम लड़ाई वाला। अब भाई मेरे पास 2 शॉटगन है, मुझे याद आया, ठीक है, दोनों के दोनों दे मेरे को, इसको तो मैं यूज़ करूँगा भाई एकदम। हाँ, आज इसे चेक करने का भी टाइम आ चुका है, जो ओल्ड स्कूल की हम लोगों ने उस हाइड आउट से निकाली थी ना ये शॉटगन, इसको भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी एंट्री करने वाले हैं पिछले दरवाजे से, और हमें माइका को आज निकलवाना है, ठीक है। सो डूड, कैसे हैं आप? चलो 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 चलो, ओके ख़त्म, ये बंदा रहेगा सिर्फ। चल भाई, ओके, धीरे सो बंदे थे यहाँ पे, और उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। इसकी कीस कहाँ पर हैं? एक मिनट, यहाँ पर रहता है सर्च ड्रॉर, शायद से इस ड्रॉर के अंदर होगी वो कीस। ओके भाई, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे। अबे नहीं नहीं नहीं, ओपन क्यों कर दिया भाई? निकालो निकालो यहाँ से, की पकड़ो, ये इसी से मैं खोल पाऊँगा वो जेल। जल्दी से नीचे, यहाँ से बिल्कुल नीचे 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 नीचे, दे रही अनलॉक हिम। मेरा दिल नहीं कर रहा वैसे तो ये निकालने को यहाँ से,
लेकिन निकालना ही पड़ेगा मायका। चला ये ले गन। अबे भैंस की टांग। उस बंदे का क्या कसूर था भाई? इसने अपने साथी प्रिजनर को उसकी मत्था खोल दिया भाई, पता नहीं क्यों। ओके अब मैं शॉटगन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है शॉटगन एकदम फालतू है। वी आर गोइंग टू यूज आवर रिवॉल्वर। राइट, सो द फुल ऑफ टाउन इज आवर अगेंस्ट टाउन। सबके मत से बोलो भाई भाई। राइट, तो अभी जो है पूरे का पूरा गांव अपने अगेंस्ट है, क्योंकि सबके सब यहाँ पर पिंकर्टन के बंदे घूम रहे हैं। एक मिनट, ओके खत्म। अभी मरा क्यों नहीं? खत्म। क्या कर रहे हैं ब्रो? ओके सो अभी यहाँ पर जितने पिंकर्टन आएंगे सबको खत्म करना पड़ेगा। ओ भाई व्हाट द हेल, इतना गंदे तरीके से हेडशॉट। एक इसके भी और आखिरी हेडशॉट इसको। ओके आगे बढ़ते हैं बड़े प्यार से। एक मिनट, वहाँ से घोड़ा है ठीक। ओके 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 यहाँ पर कोई भी नहीं, वो कहाँ गया जल्दी रास्ता बता। ओके यहाँ पर है, यहाँ पर ये बंदा भागा रहे हैं। ओके खत्म, एक बंदा ये था उसे उसने खुद ही लुटका दिया। यहाँ पर एक बंदा है। ओके ओके ठीक है खत्म भाई। अबे क्या कर रहे भाई तू? वेट 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 वेट, इसकी अंग्रेज नीड ठीक है। ओके भाई कितने खतरनाक तरीके से मारते हैं भाई ये बंदे, मतलब कि इनकी समझ में नहीं आती है भाई। ये फालतू तरीके से नहीं भी बैठे, वाइल्ड वेस्ट कहते हैं। ओके भाई ये कौन है बंदा भाई? लड़ने का है ना, सीधा बोल देना। क्यों ये नाटक कर रहा है साथ साथ? इज ही रनिंग, कहाँ गया भाई बंदा? तू साथ ही बुलाएगा, छुप के मार रहा था भाई। एक तो रुको भाई, कसम से मत्थे के ऊपर उसकी गोली छुप गई है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अभी अपने सारे के सारे दोस्तों को अलविदा बोलते हैं यहाँ से। कहाँ पर है डूब तू? कौन आइए, चल भाई खत्म हो अब बोल। ओके ठीक है, यहाँ पर है सैम शायद से, वो बंदा जिसे हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से। निकल भाई बाहर। राइट, बारिश तुम लोग देख पा रहे हो कि कितनी तगड़ी हो रही है, और आर्थर के लुक भी बहुत ज़्यादा कमाल आ रही है। ये बंदा नहीं निकला अभी तक यहाँ से बाहर। बाहर निकल। ओ भाई इसने उसको मार क्यों दिया भाई? बट ऑलराइट ब्रो यू कैन गो। भाई ये क्या कर रहा है अंदर? मायका को 2 मिनट के लिए मैंने निकाला है और उसने पर्दे के ऊपर भाई ब्लड लगा दिया है, मतलब इसने अंदर किसी बंदे को बहुत गलत तरीके से मारा है। मायका तो पागल हो गया भाई, गलत ही हो गई इसे छुड़वा कर मुझे। एक मिनट आगे से पिंकर्टन यहाँ से ऐसे इसके कंधे पे और यहाँ से इसके हेड पर। इसका हेड शॉट आसान है, आसान। मायका रुक। ओके 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 इसका हेड शॉट हो गया। और यहाँ पर कोई बंदा है छुपा हुआ है लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा है। ओके खत्म, हेड शॉट। ये के बाद है, चल भाई खत्म। 3 बुलेट्स और इसका काम खत्म। ऑल राइट। स्ट्रॉबेरी का पूरा टाउन में पिंकर्टन्स छुपे हुए थे, इस बारे में मुझे नहीं था पता। इसी माया। ओके 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 भागो 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 यहाँ से। इनके रिपीटर्स को पीछे से हटाओ, पहले तो इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पीछे तक आएंगे हमारे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओके खत्म। इस वैसे मायका खुद ही बहुत बड़ा शूटर है, इस वजह से इसने उन्हें खुद ही। अबे मेरा घोड़ा अनकंट्रोल्ड है भाई, यार चल ना। ओके ओके अभी हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि पिंकर्टन की पूरी आर्मी हमारे पीछे लग चुकी है। हाँ भाई काम न स्किप तरीके से अब लोग इन सबको ही खत्म। एक मिनट, एक बंदा ये है। ओके परफेक्ट हेड शॉट, आगे से भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जान के टोटो पीछे आ जाओ मेरे। तुम लोग कैसे की तैसी ए यहाँ से ऐसे ए। ओके खत्म 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 खत्म। जितने पिंकर्टन के डिटेक्टिव हमारे पीछे आ रहे थे सबको खत्म करा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी गन जो मेरी भाई अभी तक रही है वो है कैटलमैन रिवॉल्वर। उससे ज़्यादा जितने भी शॉट गन्स हैं वो भाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि इन्हें रिलोड करने में बहुत टाइम जाता है। We ran together for a while.
did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. हम भाई मौसम चेक कर रहे हैं तुम लोग. कितना खतरनाक हुआ पड़ा है. Yes, we'll all be thanked profusely. I promise. तो लेनी इसके साथ ही था और भाई सब तब इसे अरेस्ट करा गया है ये बता रहा है भाई. और देख पा रहे हो भाई कितनी रियलिस्टिक तरीके से थंडर्स आ रहे हैं, मतलब राइजिंग स्टॉर्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है. ओके ओके तुम लोग देख पा रहे हो भाई, मैं तो कसम से कंफ्यूज हूँ इस चीज़ से. मुझे भी यही लग रहा है भाई कि हम लोगों ने पीछे छूट दिया है. There I was, having a dull day only for you, to liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all, so why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me, sons of Dutch, makes us brothers. Sometimes... Brothers make mistakes. तो बट बहुत बेहद मिस्टेक्स बना दे ब्रो. परफेक्ट. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. आर्थर के और भाई माइक का दोनों भाई भाई हो, उसमें बोला अपन भाई दोनों मिस्टेक कर लेते हैं तो इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है. और भाई अभी जो है एक मिनट, ये घोड़ा बहुत भाई सब अजीब है. तो अभी जो है माइका तो यहाँ से जा चुका है, तुम लोगों ने देखा ही है. और आज भाई हमारा आज का एपिसोड तो बहुत कमाल का हो चुका है, क्योंकि हमने आज भाई ओटस्कोर की बेस के ऊपर हमला करा पहले, और वहाँ से भाई एक नई शॉटगन हमें मिली और कुछ पैसे मिले. उसके बाद पता चला कि भाई माइका अरेस्ट हो गया है, तो माइका को छुड़वाया अभी. और तुम लोग अभी देख पा रहे हो कि माइका यहाँ से जा रहा है, ये माइका नहीं है, ये कोई और ही है. तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार लगा होगा. मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय. लाइक कर देना, कमेंट कर देना.